माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा हिल्स पर अभी तक आग थमने का नाम नहीं ले रही थी, और इसके बाद अब कुछ और जंगली इलाके जो हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर भी भीषण आग जो है ये लगी हुई दिखाई दी है। और इसके बाद लगातार चिंता का विषय जो है वो भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ त्रिकुटा हिल्स की बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो उस इलाके में जो है हुआ है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ जो है वो वहां पर नष्ट हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ जहाँ लगातार इस गर्मी हुई बढ़ती से भी जो है यहाँ पर जो एकदम से गर्मी बढ़ रही है इससे लोग परेशान हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ दूसरी ओर जहाँ पर कुछ और जंगल के जो यहाँ पर इलाके हैं वहां पर भी अब आग जो है वो लगी हुई है। इन इलाकों की अगर हम बात करें तो नियाका जो ये फॉरेस्ट एरिया है, उसके बाद पंजग्रेन एक फॉरेस्ट एरिया है, गंभीर मुगलन जो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, इन सभी इलाकों में जो है इस वक्त भीषण आग जो है ये लगी हुई देखी गई है। और देर रात की अगर बात करें तो देर रात को ही ये आग जो है यहाँ पर इन जंगलों में देखी हुई जो यहाँ पर जो है लगी हुई दिखाई दी। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर अगर बात करें दमकल विभाग की, तो दमकल विभाग जो है वो वहाँ पर मौके पर पहुंचा और उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की, लेकिन उसमें भी उन्हें सफलता जो है वो हासिल नहीं हुई है। और इसी के साथ साथ अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी लगातार जो है आग पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आग पर काबू जो है वो नहीं पाया गया है। लेकिन आग जो है वो किस तरह से लगी है, क्या कुछ कारण रहे हैं, इसकी भी अभी तक कोई जांच जो है वो अभी तक चल रही है, लेकिन अब तक कारण जो है वो पता नहीं चल पाया है। त्रिकुटा हिल्स की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी आखिर भी आग जो है वो क्यों लगी थी, उसका भी कारण जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। और इसी बीच बाकी के ये जो इलाके की हम बात करें, यानी कि न्यासा फॉरेस्ट एरिया, पंजग्रेन फॉरेस्ट एरिया और गंभीर मुगलन फॉरेस्ट एरिया जो है यहाँ पर भी अब जिस तरह से भीषण आग लगी है, तो हो सकता है कि गर्मी जो है वो और ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ सकती है अगर आग पर जल्द ही काबू जो है वो नहीं पाया गया, क्योंकि गर्म हवाएं जो है वो जम्मू कश्मीर में रुक कर सकती हैं और जिस वजह से और ज्यादा टेम्परेचर में इंक्रीज जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि इन जंगलों में आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां जो है वो भी वहां पर मौके पर पहुंची हैं, जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर लगी हुई आग को जो है बुझा दिया जाए। लेकिन उसके बाद अब कितना और वक्त जो है लगता है वहां पर इस आग पर से जो है काबू पाने के लिए, ये जो है जरूर देखना होगा। और इसी के साथ साथ अभी ये भी जो है वहां पर देखा जा रहा है कि आखिर क्या कोई जानमाल का भी नुकसान हुआ है, अगर हुआ है तो कितना जानमाल का नुकसान जो है वहां पर पेश आया है, इन सभी चीजों को जो है वहां पर देखा जाएगा। उसके बाद स्पष्ट रूप से जो भी जानकारी सामने आएगी वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन लगातार त्रिकुटा हिल्स पर भी जितना से आग लगी हुई है, उसके बाद ये बाकी के जंगलों में भी अब जो आग लगी है इससे परेशानी का सबब जो है वो जरूर जो है यहाँ पर